आज की रेसिपी है मटर आलू और फ्रेंच बीन की सूखी सब्जी। चलिए जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे पूरी, रोटी और चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 3 चम्मच तेल डाल देंगे और फिर जीरा डाल देंगे, जीरा जब अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम एक बड़ा प्याज ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से काट कर इसे डाल देंगे। और इसे तब तक चलाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब इसका कलर चेंज हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे, आलू को पहले फ्राई करेंगे। आलू में हम 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। और इसे चला लेंगे। आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे पहले पका लेंगे और इसमें हल्का सा नमक अभी ही डाल लेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें 1 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़े चम्मच धनिया डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब हम अपनी बाकी सब्जियां भी डाल लेंगे। अब इसे जल्दी पकाने के लिए इसमें ढक्कन लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। अब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। अब हम इसमें हल्का पानी ऐड कर लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। हमारी फ्रेंच बीन्स मटर और आलू की सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसमें हम लोग धनिया पत्ता ऐड कर लेते हैं। अब ये पक चुकी है, अब हम इसे सर्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मटर आलू और फ्रेंच बीन की सब्ज़ी आप चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आगे भी ऐसी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।